हेलो फ्रेंड्स, मैं उदर्शित और आप देख रहे हैं हमारे चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। और इस समय हमें डीमार्ट में देखते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग किया। अंदर वीडियो कैमरा अलाउ नहीं है, तो घर जाके देखते हैं हमने क्या क्या शॉपिंग किया, हमको कितना डिस्काउंट हुआ है। गाइस, बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि डीमार्ट जाना है बट हो नहीं पा रहा था। आज फाइनली मैं गया और अच्छा खासा डिस्काउंट मिला मुझे, अच्छी खासी शॉपिंग भी हो गई। अगर आप डीमार्ट जाते हैं और हिंगना रोड में इतनी बाहर है शहर के, तो अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा सामान लेना हो तभी जाएँ। और मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर लिया और मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिला है। गाइस, मैंने शॉपिंग जो की है, मेरा 3118 की शॉपिंग हुई है एंड MRP पे जो डिस्काउंट बता रहा है मुझे, वो बता रहा है 1354 रुपीज़। तो चलिए गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे किस किस पे क्या क्या डिस्काउंट मिला है, कितने रुपए का किस पे डिस्काउंट मिला है, किस प्रोडक्ट पे क्या है MRP और मुझे कितना डिस्काउंट मिला है। ये मेरा बिल है एंड ये प्रोडक्ट्स है, मैं आपको एक एक प्रोडक्ट्स बताता हूँ। सो सबसे पहले ये पियर्स का साबुन है जो एक पे एक फ्री का ऑफर चल रहा था। तो ये पैक में एक पैक 5 का है और इस पर मुझे 252, इसका MRP 252 है एक्चुअली, और इस पर एक पे एक फ्री मिला है, यानी ये दोनों मिला के 10 पीसेस हो गए 252 के। ये जो कोकोनट हेयर ऑयल है, कोकोनट ऑयल, इसका MRP है 160 रुपीज़ और ये मुझे मिला है 119 में। ये तीसरी चीज़ है डेटॉल, इसका MRP है 98 और ये मुझे मिला है 92 में। 200 ml का पैक है ये। तो ये है एवरेडी LED, ये मुझे मिला है 69 रुपीज़ में, 9 वाट का है ये और मुझे पड़ा है 69 रुपीज़ में। नेक्स्ट है ये सिस्का LED, ये मुझे, ये भी 9 वाट का है और ये मुझे 75 रुपीज़ में पड़ा है। ये मैंने 2 लिया है, एवरेडी का एक लिया है मैंने और सिस्का 2 लिया है। गैस, पतंजलि दंत कांति है ये, इसका MRP है 85 और ये मुझे पड़ा है 79 रुपीज़ में। इस पर भी 6 रुपीज़ सेव हुए हैं MRP पे। अब ये शुगर का 5 kg का पैकेट है जो कि मुझे पड़ा है शुगर 205 रुपीज़ का, 205 रुपये का मुझे ये पड़ा है 5 kg का शुगर। ये गाइस रवा है जो 1 kg है, इसका MRP आप देख सकते हैं 43 लिखा हुआ है बट ये मुझे मिला है 36 रुपीज़ में, 36 रुपीज़ 1 kg है ये। घड़ी डिटर्जेंट का 3 kg का पैकेट है गाइस, इसका देख लेते हैं प्राइस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 3 kg का है, 174 MRP है बट ये मुझे पड़ा है 149 रुपीज़ का। गाइस, ये 3 kg है और मुझे 149 रुपीज़ का पड़ा है ये। ये किसमिस है, ये मैंने 2 पैकेट लिया है, ये भी डीमार्ट का ही पैकिंग है और ये मुझे पड़ा है 500 ग्राम 153 रुपीज़ का, यानी दोनों मिला के 306 रुपीज़ के 1 kg। गाइस, टाटा सॉल्ट है ये मुझे पड़ा है 35 रुपये का, यानी कि दोनों मिला के 70 रुपीज़। गाइस, मैं बता दूँ ये 2 kg का है, यानी इसका नेट वेट 2 kg, MRP 40 है लेकिन मुझे ये 35 में पड़ा है और मैंने 2 पैकेट लिए हैं तो दोनों मिला के मुझे 70 पड़ा है। गाइस, ये हुक है, इसका MRP 49 है, एक्चुअली ये डीमार्ट का ही पैकिंग है तो डीमार्ट की सेलिंग प्राइस इसमें लिखी हुई है, तो ये मुझे 49 में ही पड़ा है। ये हुक है, इसे हम लटका सकते हैं कहीं भी, दरवाजे वगैरह में। उसके अलावा ये सोप के लिए 15 रुपीज़ का मिला है। गाइस, वैसे तो मैं मंजन भी यूज़ करता हूँ तो वीको का, बट इस बार मैंने सोचा कि विथोबा का ट्राई करके देखें। ये 50 रुपीज़ का इसका MRP है बट ये मुझे मिला है 40 रुपीज़ में। उसके बाद यह है तेज पत्ता, जिसका ये डीमार्ट की पैकिंग है, इसका प्राइस रखा है 50 ग्राम का 19 रुपीज़ बट ये मुझे मिला है 14 रुपीज़ में। गाइस, ये सोयाबीन की बड़ी 200 ग्राम पैक है और ये मुझे मिला है 36 रुपीज़ में। इसका MRP वैसे 46 बता रहा है, डीमार्ट की पैकिंग है बट मुझे मिला ये 200 ग्राम 36 में। सर्फ एक्सल बार है 10 रुपीज़ वाला जो कि 9 का पड़ा है, मैंने 6 लिया है तो 54 में पड़ा ये 10 का, डीमार्ट ने 9 रुपीज़ में दिया है। तो अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इसमें भी आपका, जैसे मेरा इसमें 6 रुपीज़ की सेविंग हो गई क्योंकि मैंने 6 पीस लिए थे। गाइस, उड़द दाल है ये 1 kg का पैक है जो कि मिला है मुझे 103 रुपये में। गाइस, तुअर दाल मैंने ली है 5 kg जो कि मुझे पड़ी है 90 रुपीज़ kg, टोटल मुझे इसका पड़ा है 456 रुपीज़। गाइस, ये कॉपर टंग क्लीनर है जो मुझे 25 रुपीज़ का पड़ा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, कॉपर का ये 25 रुपीज़ में। गाइस, और आप लोग भेल तो खाते होंगे, वैसे मैं भेल घर में बना के खाता हूँ तो मैंने ये लिया है 500 ग्राम का और ये मुझे पड़ा है 500 ग्राम का 41 रुपीज़ का, 500 ग्राम है ये मुझे 41 रुपीज़ में मिला है। देन गाइस, ये पोहा है मोटा वाला, ये भी डीमार्ट की पैकिंग है, 1 kg का पैक है और ये मुझे मिला है 45 रुपीज़ में, 45 में, हाँ 1 kg 45 में मिला मुझे। नेक्स्ट है ग्राउंड नट, ये 1 kg का पैक है। ओह सॉरी, 500 ग्राम का पैक है, 1 kg नहीं है, 500 ग्राम का है। और ये मुझे पड़ा है 83 रुपीज़ में। जैसे देख सकते हैं ये भी डीमार्ट की पैकिंग है, 98 रुपीज़ लिखा है बट मुझे 83 में पड़ा है, 500 ग्राम। नेक्स्ट है गाइस साबुनदाना, जो कि है 500 ग्राम में, और ये भी डीमार्ट की ही पैकिंग है। और इसका प्राइस जो मुझे पड़ा है गाइस, इसमें MRP लिखा हुआ है 40 बट मुझे ये पड़ा है 33 रुपीज़ में, 33 रुपीज़ में 500 ग्राम। गाइस ये 10 रुपये वाला भी डिस्को वॉशर है और ये 9 रुपये का दिया डीमार्ट ने, यानी 1-1 रुपये की इसमें भी सेविंग हो चुकी है। सो गाइस ये चैम्स चप्पल जो मुझे पड़ी है डीमार्ट में 99 रुपीज़ की, जस्ट फॉर 99 रुपीज़। आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी है, अच्छा कलर है, और मुझे ये पड़ी है 99 रुपीज़ में। इसके अलावा ये मम्मा के लिए ये चप्पल लिया तो ये पड़ी है 149 रुपीज़ में। देख सकते हैं आप कितनी सुंदर दिख रही है, घर में पहनने के लिए है ये गाइस। इसके अलावा मैंने लिया ये मेंस वेस्ट, जो कि पैक ऑफ 2 है, 99 रुपीज़ का मिला है ये मुझे। इसमें 2 हैं, 2 पीसेस हैं इसमें। इसमें मैचेस भी 10 रुपये वाला पैकेट है, ये भी 9 रुपये में मिला है, यानी इसमें भी 3 रुपये की सेविंग हो गई है। तो ये किचन का स्क्रब है, ये 10 रुपये का है और 10 का ही मिला है। गाइस बचपन में हम लोग को पिपरमेंट खाने का बहुत शौक था, तो वापस पे मैं जा रहा था बिलिंग काउंटर की तरफ और एकदम से मम्मा के साथ था मैं, और एकदम से हम लोगों की नज़र वहाँ पे पड़ी इस पर, तो बचपन के दिन याद आ गए एकदम, और मैं ले आया इसको भी। ये एक पैकेट मैंने लिया है जैसे 100 गाइस, ये 100 ग्राम का पैकेट और ये मुझे 12 रुपये में पड़ा है। मुझे बचपन के दिन याद आ गया, हम लोग बचपन में पिपरमेंट खाया करते थे, बस वही है। और नागपुर है तो ऑरेंज वाली तो बनती है बॉस। और लास्ट में जो मैंने सबसे स्पेशल चीज़ लेती है गाइस, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं जूस पीता हूँ, और मुझे चाहिए था जूस पीता हूँ, दूध पीता हूँ, तो मुझे कुछ अच्छा चाहिए था ग्लास में। तो मैंने क्या लाया है मैं आपको बताता हूँ। ये 2 कप्स लाए, एक ग्लास 1 कप है गाइस। ये बियर के लिए नहीं है, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं मिल्क पीता हूँ और कॉफ़ी कभी कभी पी लेता हूँ, मिल्क पीता हूँ, जूस पीता हूँ स्पेशली, और रूह अफ़ज़ा पीता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये लाया है गाइस, ये बहुत हैवी क्वालिटी में आप देख सकते हैं। ये एक पीस मुझे 99 का पड़ा है डीमार्ट से। इसके अलावा मैंने एक दूध या कॉफ़ी के लिए भी कप खरीदा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मुझे 49 का एक पीस पड़ा है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी शॉपिंग हुई है 3118 रुपीज़ की। 34 आइटम्स है, 46 क्वांटिटी है, और हमारी जो MRP पे सेविंग हुई है वो 1354 है।